ललन सिंह के मीट भात के आयोजन के बाद से ही लगातार बिहार में कंट्रोवर्सी हो रही है, जहां उनके इस आयोजन के बाद कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था। इसे भी भाजपा अपने दलील में शामिल कर रही है। वहीं भाजपा की तरफ से इस पूरे आयोजन पर दो तीन बड़े आरोप लगाए गए थे। पहला आरोप विजय सिन्हा ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि इस आयोजन के बाद लगभग 1000 कुत्ते गायब हो गए हैं मोकामा से, तो शंका होती है कि आखिर मीट किस चीज़ का परोसा गया। वहीं सम्राट चौधरी के बयान पर तो कोर्ट कचहरी तक मामला चला गया। सम्राट चौधरी ने कहा था कि मीट भात की आड़ में कहीं ना कहीं शराब का सेवन कर कार्यकर्ताओं को कराया गया, शराब बांटी गई। इस मामले पर ललन सिंह इतना बिफरे कि उन्होंने अपने युवा कार्यकर्ताओं के माध्यम से सम्राट चौधरी पर केस करा दिया था। हालांकि जिस युवा कार्यकर्ता ने सम्राट चौधरी पर केस किया था उसकी ही हिस्ट्री निकल गई। देवयानी मित्रा, जो कि पशुपति पारस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने रंगे हाथ पकड़ लिया है इस युवा नेता को। उन्होंने जो केस हुआ था इस नेता पर उसका जिक्र करते हुए ये बताया कि 6 लोगों के साथ शराब पार्टी करते हुए ये युवा नेता ललन सिंह का पकड़ा गया था। और कहीं ना कहीं इसकी हिमाकत देखिए कि ये खुद ही केस कर रहा था सम्राट चौधरी पर, जो कि भाजपा के बिहार के अध्यक्ष हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, और ऐसी स्थिति में कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। यदि उनके अपने ही संगठन के लोग शराब खुलेआम बांट रहे हैं, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार इस बात को लेकर दावा करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, शराब कानून जो लाया गया है वो नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। ऐसे में उन्हीं के पार्टी के लोग यदि उनके बनाए हुए कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं तो ये कितना गलत है आप खुद समझ सकते हैं। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ वो खुद कह रही हैं। ललन सिंह जी के युवा नेता अमित माधव जी, जो 7 सितंबर 2022 को कंकरबाग थाने में SI अरविंद कुमार के द्वारा शराब पीते वक्त 6 लोगों के साथ पकड़े जाते हैं, अचानक से वही मेन करता धरता जो मीट भात का इतना बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम जो ललन सिंह के द्वारा किया गया था, वो भी नीतीश कुमार जी के पत्नी के पुण्यतिथि के दिन, सवाल तो आप पे भी उठता है। एक तरफ आप हमारे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट के ऊपर आप कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, जनाब आप खुद ही एक आसामी हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी केस दर्ज है, केस का नंबर है 840/22 और ये कंकरबाग थाने में SI अरविंद कुमार के द्वारा दर्ज की गई थी 8 से 8 महीना पहले। सवाल ये है कि भाई आप जब खुद एक शराबी हो और आप जब खुद उस वक्त शराब पीते वक्त पकड़े गए, तो दोबारा आपके ऊपर अगर ये सारी चीजें दोबारा आती है तो आपको इस बारे में सोचना है कि आप कहाँ तक, कितना तक आप सही है। और साथ में ये भी है, विजय कुमार सिन्हा जी का तो ये भी कहना है कि भाई उस दिन जो है उस इलाके के 1000 से 1500 जो डॉग्स थे उनको भी, वो भी क्या कहते हैं, उनका भी कोई अता पता नहीं है। तो इस पे एक कार्रवाई होनी चाहिए, एक जांच कमेटी की बैठक होनी चाहिए। क्या सच में उस दिन मटन चावल का भोज हुआ था कि कुछ और इतने सारे जानवरों को मारने का काम भी हुआ था, जबकि उस वक्त बागेश्वर बाबा हमारे बिहार के धरती में जब हनुमान कथा कर रहे थे। कितनी शर्म की बात है, जहां पे हमारे राज्य चारों तरफ से, चाहे वो विकास बोलिए, स्वास्थ्य बोलिए या फिर एडुकेशन रिलेटेड इश्यूज को लेके गुजर रहे, उस वक्त आप मीट चावल खिलाते हैं और एक ऐसे युवा नेता आपके साथ है जो ऑलरेडी एक शराबी के नाम पर उनके ऊपर केस दर्ज है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 8 महीना पहले। आपके राज्य में एक तरफ शराबबंदी होता है, शराबबंदी कानून लागू होता है, शराब पीने वालों को आप जो पी के जो मर रहे हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई करते हैं, गरीबों को आप जेल में डालते हैं, लेकिन जो शराब बनाते और उनके साथ ही उनमें से कुछ लोग आपके पार्टी के इतना इम्पोर्टेंट पोस्ट पे बने रहते हैं, सवाल तो ये भी है कि आप लोग शराबबंदी कानून जो फेल है उसके ऊपर कब बात कीजिएगा, शराब कहाँ से आ रहा है उसके ऊपर कब बात कीजिएगा। तो ये जवाबदेही हमारे ऑनरेबल CM के साथ साथ ललन सिंह जी का भी बनता है कि अगर अमित आनंद जी के ऊपर केस है तो उस केस का जवाब कौन देगा। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।